इसका इसके बाद सवाल इनका, सलाम न फेरें इमाम रुकू में हो तो क्या मस्जिद में जाकर इसके बाद इनका सवाल है इमाम रुकू में हो तो क्या मस्जिद में जाकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कान की लौ तक उठाएं फिर नियत ना बांध कर इमाम के साथ रुकू में चले जाएं? बताएं आप, अच्छे से समझा दें। अगर कोई शख्स दौड़ा हुआ आया, इमाम साहब रुकू में हैं और उसने अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाए और रुकू में चला गया, तो देखें इस बारे में, अगर उसने खड़े होकर अच्छे से क़याम की हालत में तकबीर कही है और अल्लाह अकबर तकबीर जो कही है उसने हाथ उठाकर, वो क़याम ही की हालत में था और उसके बाद वो दूसरी तकबीर कहकर रुकू में जो जाते हैं, तो दुरुस्त है। वरना अगर ऐसे करता है आदमी के भागे भागे आए और झुकते चले गए अल्लाह अकबर कहकर ऐसे ही रुकू में चले गए, तो फिर नमाज नहीं होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस चीज़ में इतनी जल्दी नहीं मचाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहीं भी इस तरह जो है रकात पढ़ने को जो है नहीं फरमाया हदीस शरीफ के अंदर, बल्कि इस तरह करने की ममानात वारिद हुई है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि आप सुकून इत्मीनान से आएँ, मस्जिद में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वज़ू खाने से भागने की ज़रूरत नहीं है, सुकून से वज़ू करें, सुकून से आएँ। सुकून का मतलब अच्छे तरीके से, सुकून से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सुस्ती उतारते हुए, उसका मतलब ये नहीं है, यानी इत्मीनान के साथ वज़ू करें और इत्मीनान के साथ मस्जिद में दाखिल हों, फिर सफ़ों में दाखिल हों, फिर आराम से आकर इमाम को आप जिस हालत में पाएँ, आप रुकू में पाएंगे तो बिल्कुल कहीं ये नहीं है, बीमारियाँ है, इस तरह नमाज का खिलवाड़ ना बनाएं। आप सुकून से आएँ, अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाएँ, उसके बाद जो है तकबीर कहकर और फिर आप रुकू में जाएँ। अगर इस दरमियान में आप रुकू में इमाम साहब को पा सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर इस तरह जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है कि आपका क़याम भी दुरुस्त ना हो और पता चले कि आपकी तकबीर तहरीमा झुकते झुकते हो रही हो, तो फिर अगर आप क़याम नहीं करेंगे और ऐसे ही भागे भागे आएंगे और तकबीर कहकर सीधे रुकू में चले जाएंगे तो नमाज़ नहीं होगी।